हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव्स। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से नेल पेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो आपको पहले बता दूँ दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पास जब बहुत सारे नेल पेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद जो है वो थिक होने लगता है और हम उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते। वैसे अच्छे नेल पेंट्स भी थिक हो जाते हैं, जैसे कि ये मैंने एलेटीन का ख़रीदा था जो कि कुछ ही दिनों में थिक हो गया है। और ये तो ऐसे रेड नेल पेंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं गिफ्ट में, पूजा पर्व वगैरह में, तो ये जो है थिक हो जाता है बहुत जल्दी, जो हम अपने यहाँ के मार्केट से लेते हैं जो नॉन ब्रांडेड होते हैं। पर फिर भी किसी के गिफ्ट को फेंकना नहीं चाहिए, तो इनको किसी तरीके से तो यूज़ करना ही होगा। तो मैं इनको जो है जनरली अपने फीट्स पे लगा के टोज़ पे अप्लाई करती हूँ, तो फिर भी जब ये थिक हो जाता है तो इसको हम इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी और थोड़ी सी थिन कैसे करें, मैं उसका आज आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्प्रिट नहीं है, नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तो आप उसको आपके घर पर ये ज़रूर होगा। ये क्या है? ये है एक डिओड्रेंट। तो ये छोटा सा सेटवेट का डिओड्रेंट है फ्रेंड्स। मैं इसको जो क्या करने वाली हूँ, इसको जो है मैं अपने इस नेल पेंट में डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नेल पेंट जो है काफ़ी थिक है। इस नेल पेंट में मैं जो है अब इसमें जो है ये डालूँगी, इसको बस मैंने बस दो बार इसमें स्प्रे किया है, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है। अब जो है इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे। अब मैं आपको एक रेड वाले में भी डाल के दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, ये आप एक बार अप्लाई करेंगे तो अच्छे से चढ़ जाएगा, लेकिन आप इसका सेकेंड कोट अप्लाई करोगे तो ये अच्छे से नहीं चढ़ेगा। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए आपने फर्स्ट कोट भी आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस पर आप सेकेंड कोट थर्ड कोट डालोगे तो ये और भी गंदा होते दिखने लगेगा। कैमरा अच्छा फोकस ले रहा है इसीलिए शायद थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो। चलिए इसमें भी मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। अब जो है इसको अच्छे से हमें शेक कर लेना है पहले वाले की तरह। तो हमने जो है दोस्तों इन दोनों में डाला था, इसमें मैं पहले शेयर मतलब इसमें मैंने ये ट्राई किया था, तो मेरी फ्रेंड को ये कलर बहुत पसंद आया था, लेकिन ये थिक लग रहा था इसीलिए वो लगा नहीं पा रही थी। तो बैठ बैठ के मैंने आइडिया सोचा, मुझे कहीं स्पिरिट भी नहीं मिला था, स्पिरिट डालने से वैसे हो जाता है थिन, तो मेरे घर पे स्पिरिट भी नहीं था, तो मैंने डिओड्रेंट डाल के अपनी फ्रेंड को ये लगाया है। देखिए ड्राई होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे से आया है। तो अब मैं आपको इसको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। इसको अच्छे से शेक कर लिया था हमने, एक और बार अच्छे से मैं शेक कर लूँगी। अब जो है इसको खोलना है, हम लेंगे छोटू सा कॉटन। अगर आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई क्लॉथ भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको 2-3 फोल्ड्स कर लें, वरना वो आपके हाथ पे नेल पेंट लग जाएगा। अब जो क्या करना है, इस ब्रश को अच्छे से हमें पोंछ लेना है, ताकि पहले वाला जो थिक वाला कोई कलर बचा हो नेल पेंट, तो वो आसानी से इस पर से निकल जाए। ये देखिए ऐसे हो गया। अब हम इसको वापस से इसमें डिप करेंगे। डिप कर लिए। अब मैं आपको इसको अपने नेल्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ये अप्लाई हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने आसानी से जो है ये अपना नेल एक नेल पे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। अब मैं रेड वाला भी अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने आसानी से सिर्फ वन स्वाइप में ही आपको ये कलर आ जा रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है।
तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।